Assalamu alaikum dear students. In today's video, we are going to deal with another type of intraspecific ecological interaction, that is family formation. Aaj hamara topic hai family formation. It is another type of intraspecific ecological interactions which is observed in many animals. Let's have a look upon this very interaction, that is family formation. First of all, we must know what is a family. Family kisko kahenge? Family basically it includes the parents and their offsprings or succession of the individuals connected through blood or marriage. Theek? Now, the grades of family or levels of family. Grades of family. दो तरह की ग्रेड्स और दो तरह की एसोसिएशन हम देखते हैं इन केस ऑफ द एनिमल्स फॉर दिस वेरी इंटरैक्शन दैट इज फैमिली फॉर्मेशन. एक एसोसिएशन होती है दैट इज एसोसिएशन फॉर मैटिंग मैटिंग. दूसरी जो होती है इसको हम कहते हैं प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन. नाउ व्हाट इज दिस एसोसिएशन फॉर मेटिंग. यहां पे जो फैमिली लाइफ एनिमल्स मतलब दे एक्चुअली जो ये फैमिली लाइफ गुजारते हैं तो ये कैसे ये मतलब इसमें कौन कौन से एनिमल्स होते हैं जिसमें सिर्फ एसोसिएशन होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ मैटिंग. देखो बहुत सारे मतलब अगर हम देखेंगे प्रेडिसेस इंसेक्ट्स कुछ एनिमल्स मतलब प्रेडिसेस इंसेक्ट्स स्पाइडर्स ओवलर्स हैमस्टर्स टाइगर्स. देखो जो ये प्रेडिसेस इंसेक्ट्स होते हैं प्रेडिसेस मीन प्रेडिटरी इंसेक्ट्स इस तरह स्पाइडर्स ओवलर्स हैमस्टर्स टाइगर्स ये वो एनिमल्स होते हैं दे बेसिकली लीड दे लीड ए सॉलिटरी लाइफ दे लीव ए सॉलिटरी लाइफ एंड दे प्रे इंडिपेंडेंटली. लेकिन उसके एडल्ट्स देयर एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स दे कम टुगेदर फॉर श्योर शॉर्ट ड्यूरेशन फॉर द पर्पज ऑफ मैटिंग. मैटिंग के दौरान देखो एक्चुअली ये जो एनिमल्स होते हैं एक तो ये सोलिटरी लाइफ को गुजारते हैं सोलिटरी लाइफ मीन्स दे लिव सेपरेटली दे लिव इन आइसोलेशन यानी कि वो तनहा रहते हैं. लेकिन एक इसके अलावा ये प्रे भी करते हैं इंडिपेंडेंटली यानी कि इन ये अलग अलग अपने मतलब जो इनका शिकार होता है ये वो अलग इनकी प्रेडेशन वो भी इंडिपेंडेंट होती है. लेकिन जहां तक इनके एडल्ट मेल्स एंड फीमेल्स वो एक साथ मतलब आते हैं वो एसोसिएट होते हैं उनकी एसोसिएशन होती है जब मतलब मेटिंग का वक्त आता है मैटिंग के दौरान मतलब पर्पज ऑफ ब्रीडिंग रिप्रोडक्शन के दौरान वो एक दूसरे के साथ रहते हैं. बट दिस इज द ओनली टाइम व्हेन दे गेट एसोसिएट That means this why it is called the association for mating. तो ये देखते हैं कि ये भी एक किस्म की family life होती है. But that is very brief. That is only during the time of the mating. अब एक और मैंने बताया था कि prolonged association. Prolonged. देखो कुछ animals ऐसे होते हैं they live temporary family life और कुछ animals ऐसे होते हैं they live lifelong family life. यानी कि कुछ animals ऐसे होते हैं बिल्कुल वो
कुछ सीजन के लिए या किसी सीजन के लिए वो फैमिली लाइफ को इख्तियार करते हैं, लेकिन कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो कि लाइफ लॉन्ग रहते हैं, बिल्कुल उम्र भर, मतलब पूरी जिंदगी वो एक साथ रहते हैं, पूरी जिंदगी एक साथ गुजारते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वेरी टाइप ऑफ एसोसिएशन दैट इज प्रोलॉन्गड एसोसिएशन। हाँ, इसमें अगर कुछ एनिमल्स हम देखेंगे, सपोज जो वुल्फ होता है, हाँ जो वुल्फ होता है, या स्वैन्स होते हैं, या फॉक्सिस होते हैं। हाँ, तो यहां पे क्या होता है कि वुल्फ, स्वैन, फॉक्सेस, ये बेसिकली ये जो एनिमल्स होते हैं, दे आर कंसिडर्ड एज द मोनोगेम्स, दे शो द प्रोसेस ऑफ मोनो मोनोगेम्स, दे आर दे शो द प्रोसेस और फिनोमेना ऑफ मोनोगेमी। What does this monogamy actually refers? Dekho, monogamy means here one male leaves, or one male leaves in company of one female. यहां पे एक मेल के साथ सिर्फ एक ही फीमेल रहती है, दिस वाई यहां इसको हम कहते हैं मोनो मीन्स सिंगल, वन मेल एंड वन फीमेल। देखो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मतलब इसमें हमने वुल्फ देखा, स्वैन्स देखे, फॉक्सेस, एक बार जब ये इकट्ठे, मतलब जब ये कंपेनियन बनते हैं, एक दूसरे के साथी बनते हैं, दे लिव देन थ्रू आउट द लाइफ, है ना, दे लिव टूगेदर थ्रू आउट द लाइफ, फिर जितनी भी इसकी इनकी जिंदगी होते हैं, पूरी जिंदगी वो एक साथ फिर गुजारते हैं, कौन वुल्फ। तो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे वो प्रोलॉन्ग्ड इनकी एसोसिएशन होती है, वंस दे बिकम्स द कंपेनियंस दे लिव टूगेदर फॉर लाइफ लॉन्ग, है ना। तो एक और अगर हम देखेंगे, मतलब इसमें कुछ अगर हम स्पैरोज की बात करेंगे, चिड़िया, इनमें ये एक पैक्युलैरिटी है। देखो यहां पे क्या होता है, ये स्पैरोज जो होते हैं ना, ये दे बिकम द कंपेनियंस ओनली ड्यूरिंग द ब्रीडिंग सीजन। यहां पे जो मेल और फेमेल्स होते हैं, वो एक दूसरे के साथी बनते हैं जब ब्रीडिंग का सीजन होता है, एंड दिस कंपेनियनशिप इट रिमेन्स फॉर ए सिंगल ब्रीडिंग सीजन, एंड इन द नेक्स्ट ब्रीडिंग सीजन दे फाइंड अदर दीज पार्टनर्स, फिर दूसरे सीजन में इनके अलग पार्टनर्स होते हैं, तो स्पैरोज में। इस तरह अगर हम देखेंगे, देयर आर सम एनिमल्स, अब ऑस्ट्रिच है, सील है, ऑस्ट्रिच, सील्स, लायंस, डियर, जेब्रा। देखो इन एनिमल्स में एक और मतलब ये हम फिनोमिना को देखते हैं जिसको हम कहते हैं पॉलीगेम्स, दे आर पॉलीगेमी, पॉलीगेम्स। हियर पॉलीगेम्स मींस वन मेल इट एक्चुअली लीव्स विद ए कंपनी ऑफ सेवरल फीमेल्स, यहां पे एक मेल, वन मेल लीव्स विथ सेवरल फेमेल्स, कंपनी ऑफ सेवरल फेमेल्स, तो इसको पॉलीगेमी कहते हैं। ये इन ऑर्गेनिज्म या इन एनिमल्स में हम देखते हैं, मतलब ऑस्ट्रिच है, सील्स है, लायंस, डियर्स, ये जो मैमल्स है, इनमें अक्सर हम देखते हैं एक मेल बहुत सारे फेमेल्स के साथ यहाँ पे मतलब उसकी रिलेशन होती है, इसकी एसोसिएशन रहती है। तो इसी तरह कुछ और अगर हम माइस और रेट की बात करेंगे, माइस एंड रेट, रेट्स, देखो इनका भी एक, इनका कोई परमानेंट पार्टनर नहीं होता है, इनका कोई फिक्स्ड पार्टनर नहीं होता है। तो ये रही बात रिगार्डिंग दिस फैमिली फॉर्मेशन,
तो आज हमने इसमें देखा कि फैमिली फॉर्मेशन दो लेवल पे, दो तरह के एसोसिएशन हम देखते हैं. वन इज नोन एज एसोसिएशन फॉर मैटिंग एंड अनदर वी हैव नो वे वी एक्चुअली डिस्कस्ड वाज द प्रोलॉन्ग्ड एसोसिएशन, ठीक है ना. फिर प्रोलॉन्ग्ड में हमने देखा कि मोनो गेम्स कौन होते हैं, पोली गेम्स कौन होते हैं, ब्रीडिंग सीजन के लिए कौन अपनी जिंदगी गुजारते, सिर्फ फन वन ब्रीडिंग सीजन में. तो इसी तरह कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई फिक्स्ड पार्टनर नहीं होता है. तो ये दीज वाई द डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ दीज एसोसिएशन इज ऑल रिगार्डिंग टूडेज टॉपिक, दैट इज फैमिली फॉर्मेशन. इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टेक अनदर टाइप ऑफ इकोलॉजिकल इंटरेक्शन, एंड दैट इज एग्रीगेशन. टिल देन फी अमानिल्लाह.